अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। मनीष सिसोदिया अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए, अब इनका अगला आ गया है MONEY मनी। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं पिछले 7-8 साल से, जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं।